हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं अपने सामने, इसका नाम है लेमन ट्री। ये बहुत ही पॉपुलर प्लांट है फ्रूट्स प्लांट में और बहुत जगहों पे आपको मिल जाएगा, बहुत सारे गार्डन्स में जो फ्रूटिंग्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं वहाँ पे आपको ये लेमन ट्री आराम से मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, कल मैं नर्सरी पे गया था, मैंने ये लेमन ट्री भी देखा था, तो मुझे माली ने बोला कि एक बार आप ले जाइए, ये पॉट में आराम से ग्रो हो जाएगा। तो मैं इसको लेके आ गया और कल संडे था तो मुझे टाइम नहीं मिला, कल शाम के 4 बज गए थे, बाद में इसको रहने दिया था। अभी मंडे की मॉर्निंग है तो मैंने सोचा कि अभी मैं उसको प्लांट कर देता हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक की पॉलीथीन में पड़ा पड़ा ये ख़राब हो सकता है। तो अब मैं इसकी पॉटिंग करने की तैयारी कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने सॉइल ली है, देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर है 30% सैंड और 70% मिट्टी, और मैंने ली है वर्मी कॉम्पोस्ट। अब मेरे पास इतनी ही वर्मी कॉम्पोस्ट है, तो जब भी आप कोई भी फ्रूटिंग प्लांट्स आप अपने ये वेजिटेबल्स या तो फ्रूट प्लांट्स आप जब भी ग्रो करते हैं उसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। जनरली अपने नॉर्मल जो होम जो भी गार्डन के प्लांट्स होते हैं दूसरे, उसमें आप पहली बार फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तो वो प्लांट आराम से ग्रो हो सकता है, जो कि ये प्लांट भी आराम से ग्रो हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फ्रूट वाला प्लांट है, अगर आप जब भी फ्रूट वाले प्लांट लाते हैं तो आप उम्मीद रखते हैं कि उसके ऊपर से कोई ना कोई फ्रूट निकले, तो फर्टिलाइज़र्स फ्रूट वाले प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रेगुलर बेसिस पे इसको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसके ऊपर फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करेंगे तो बाद में ये प्लांट फ्रूट देना बंद कर देगा और सिर्फ ग्रो होता जाएगा। तो आपको लगेगा कि मेरा प्लांट ग्रो हो रहा है लेकिन किसी भी टाइप का फ्रूट्स नहीं हो रहा इसके ऊपर, तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि फ्रूट वाले प्लांट को फर्टिलाइज़र इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसके अंदर इतना वर्मी कॉम्पोस्ट डाल देता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा और वर्मी कॉम्पोस्ट डालना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल इतना ही है। मैं फिर से 15 दिन या तो 20 दिन में इसको मैं फिर से फर्टिलाइज़ करूँगा, फिर से मैं ऊपर की थोड़ी सॉइल निकाल के वर्मी कॉम्पोस्ट डालूँगा और मैं दूसरे जो भी मैं फर्टिलाइज़र्स इसके अंदर अप्लाई करना चाहूँगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, वो मैं अप्लाई करूँगा। एट प्रेजेंट मैं इसके अंदर डालूँगा वर्मी कॉम्पोस्ट और मिट्टी। तो अब मैं इस मिट्टी को थोड़ा पॉट की बेस में डाल देता हूँ। फ्रेंड्स, ये प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है, मतलब इसकी एसिडिक सॉइल ही रहनी चाहिए। ये रोज़ प्लांट से भी ज़्यादा एसिडिक सॉइल मांगता है, जैसे कि ये 5.5 टू 6.5 तक की सॉइल इसको चाहिए, तो इसको फुल एसिडिक सॉइल चाहिए। तो हमें एसिडिक सॉइल बनाने का भी मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि मैं इसकी सॉइल एसिडिक बना सकूँ। मुझे फिर से एक बार नर्सरी में जाना पड़ेगा और वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ ऑर्गेनिक चीज़ लानी पड़ेगी जिससे मेरी सॉइल थोड़ी एसिडिक हो जाए। वैसे मेरी सॉइल का अभी पीएच लेवल है 6.5 to 7, तो मुझे थोड़ा एसिडिक इसको बनाना है मेरी सॉइल को। तो इतना मैं बेस में सॉइल डाल देता हूँ। अब मैं ये प्लांट को इसके अंदर रखता हूँ, इसके लिए मुझे इसका जो प्लास्टिक का जो बैग है वो काटना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका रूट बाउल थोड़ा भारी था, इसीलिए मैं आपको इसका रूट बाउल दिखा नहीं पाया। तो मैंने इसका रूट बाउल निकाल के ये मैंने गमले में डाल दिया है। एक्चुअली अभी जो पोजीशन है उसकी एकदम परफेक्ट है। और दूसरी एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि इसके ऊपर जो थॉर्न्स होते हैं, मतलब जो ये कांटे होते हैं, वो बहुत ही ख़राब होते हैं। वो एक बार लग जाए तो आपको खून भी निकल सकता है। तो थोड़ा ये जब भी आप ये प्लांट पॉट करेंगे तब इतना थोड़ा ध्यान रखिए, ये प्लांट्स के कांटे बहुत ही ख़राब होते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा कॉम्पोस्ट मिक्स करके मिट्टी में डालूँगा। ये है मेरा कॉम्पोस्ट, में जो मैं घर पर मैंने रेडी किया है। अब इसके कॉम्पोस्ट के अंदर ही मैं मिट्टी मिक्स कर दूँगा, क्योंकि मिट्टी का प्रपोर्शन मुझे ज़्यादा लगता है, तो मैं ये मिट्टी कॉम्पोस्ट के अंदर ही डाल देता हूँ।
फ्रूटिंग वाले प्लांट्स को फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो हमें फर्टिलाइज़ इसको करना पड़ेगा। और मैं इसको ऑर्गेनिक ढंग से ही मैं इसको बड़ा करूँगा, मैं किसी भी टाइप का केमिकल इसके अंदर यूज़ नहीं करूँगा। और इसकी मिट्टी को मुझे एसिडिक बनाना होगा। उसके लिए ऑर्गेनिक तरीके तो बहुत है, जैसे कि विनेगर है, और हम लेमन ट्री के अंदर लेमन का जूस भी मिक्स कर सकते हैं। लेमन का जूस का पानी हम बना के लेमन के अंदर, ये लेमन ट्री के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें लेमन बहुत महंगे मिलते हैं, तो मुझे घर पे से लेमन मिल नहीं सकते। वैसे हमारे घर पे लेमन तो आते ही हैं, लेकिन नींबू के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं अभी मार्केट में। अब ये प्लांट मैं घर पे लाया हूँ, देखता हूँ कि कितना ये प्लांट मुझे लेमन निकाल के देता है, कितना फ्रूट्स देता है मुझे, वो मुझे देखना पड़ेगा। कंपोस्ट और मिट्टी को मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूँगा, जैसे कि मैंने कल भी जो क्रिसमस प्लांट में मैंने आपको बताया था कि कंपोस्ट और मिट्टी को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना चाहिए, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो भी है वो अच्छी तरह अपनी सॉइल में फैल जाए, हर जगह में फैल जाए, ताकि प्लांट्स के सभी रूट्स को अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे सभी जगह में से। सिर्फ एक बाजू से न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे और एक बाजू से नहीं मिलता रहे तो प्लांट ठीक से डेवलप नहीं कर पाएगा। दूसरी एक केयर की बात ये है कि फ्रेंड्स, ये लेमन ट्री को हमें सनलाइट अच्छी देनी है। अगर इसको सनलाइट कम मिलेगी तो ये फ्रूट्स नहीं देगा, इसीलिए हमें इसको सनलाइट अच्छी देनी है। तो मैं उसको रखूँगा दोपहर की धूप जहाँ मेरी आती है वहाँ मैं उसको रखूँगा, क्योंकि दोपहर की धूप थोड़ी गर्म होती है और ऐसी धूप इसको पसंद होती है। तो मैं ऐसी गर्म धूप में इसको दूँगा 2 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक की, और इसके अंदर पानी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये अगर कोई भी फ्रूट्स का प्लांट हो तो उसको पानी हमें कम देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी देने से उल्टा फ्रूट्स आपके नहीं आएंगे। पानी कम चाहिए और सनलाइट फुल चाहिए, तब जाके एक प्लांट अच्छी फ्रूटिंग पे आएगा। तो पानी का इसके अंदर बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स, और मिट्टी मॉइस्ट हमें रखनी है, लेकिन ओवर मॉइस्ट भी नहीं रखनी है, मीडियम हमें रखनी है, ताकि ये प्लांट को जितनी नेसेसिटी हो उतना पानी उसको मिल जाए। ओवर मॉइस्ट भी रखेंगे तो भी फ्रूट्स आने में टाइम लगेगा। तो अभी मैं मेरे हिसाब से ये पूरा प्लांट ग्रो करता हूँ। जैसे कि मैंने ये जो मिट्टी बनाई है, मिट्टी के अंदर मैंने 30% सॉइल मिक्स फ्रेंड्स 30% मैंने सैंड मिक्स किए है, 70% सॉइल है, और मैंने कंपोस्ट में अंदाज से ही हमेशा डालता हूँ, क्योंकि कंपोस्ट अगर ज़्यादा भी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और कंपोस्ट के अंदर वाटर रिटेंशन पावर भी बहुत ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स, इसीलिए पानी का हमें ध्यान रखना है। हमें पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना है प्लांट्स के अंदर, कोई भी प्लांट हो पानी ज़्यादा नहीं डालना है, और ये फ्रूट वाले प्लांट्स में भी हमें पानी उतना ज़्यादा नहीं डालना है। और एट प्रेजेंट अभी जो मिट्टी है ये वो एकदम गीली मिट्टी है, जैसे कि आप देख रही है मिट्टी गीली है, क्योंकि बारिश हो गई थी शाम को, रात को बहुत बारिश हुई थी, तो मिट्टी मेरी जितनी भी है वो सभी गीली हो गई है। तो मैं अभी इसको पॉट करने के बाद भी ज़्यादा पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी गीली है, तो हमें मिट्टी को और ज़्यादा गीला करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शायद पानी डालूंगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी बहुत गीली है, ये देखिए मिट्टी गीली है फ्रेंड्स। अगर मिट्टी ड्राई होती तो मैं अच्छी तरह इसके अंदर पानी डाल देता, लेकिन मिट्टी गीली है तो मैं अभी इसके अंदर पानी नहीं डालूंगा। बस मिट्टी डाल के प्लांट को थोड़ी मिट्टी सूखने का मैं राह देखूंगा, उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। तो लगभग मेरे हिसाब से अच्छी तरह कंपोस्ट मिक्स हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये मिट्टी को गमले के अंदर डाल देता हूँ। ये जो नर्सरी वाले ने जो मिट्टी यूज़ की है वो है चिकनी मिट्टी, तो मैं अभी उसके रूट बॉल को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करूँगा, जो है वही कंडीशन में रहने दूँगा। अगर रूट बॉल को मैं टच करता हूँ या तो उसकी मिट्टी निकालता हूँ तो शायद
प्लांट ग्रो करने में दिक्कत दे देगा मुझे, तो हमें कुछ करना नहीं है। वैसे भी उसके रूट्स अच्छे डेवलप हो रहे थे, तो मिट्टी के बाहर तो निकल गए थे उसके रूट्स, तो धीरे धीरे मैं ये जो मेरी नई मिट्टी है उसके अंदर ये मिक्स होते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, अगर आप पहचान गए तो अच्छी बात है। ये हमारे प्लांट्स का दुश्मन होता है, इसको बोलते हैं स्नेल। ये देखिए कितना बड़ा है। आई थिंक ये जो नर्सरी वाली जो मिट्टी है उसके अंदर से ये निकला है, और बहुत ही ख़राब है ये चीज़ हमारे प्लांट्स के लिए, तो मैं इसको अभी फेंक दूंगा डायरेक्ट बाहर। इसको हमें घर के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि ये मेरे दूसरे प्लांट्स पे भी चढ़ गया तो ये मेरे पत्तों को खाता रहेगा शांति से, तो मैं इसको अभी के अभी निकाल देता हूँ। एक्चुअली कल जो मैं ये अभी बाद में मैं इसको डाल देता हूँ, अभी इसको पड़ा रहने दो इधर, बाद में डाल देता हूँ। पहले मैं अपने पॉट के अंदर मिट्टी डाल दूँ बराबर। स्नेल्स हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ख़राब होते हैं, इसलिए जब भी आप कोई भी स्नेल देखे तो उसको उठा के बाहर डाल दीजिए, क्योंकि वो हमारे प्लांट्स को ख़राब कर सकता है। इसके कांटे मेरे बाल के अंदर जा रहे हैं, ये इसके कांटे बहुत ख़राब होते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ये पूरी तरह भर दिया है मिट्टी से, लेकिन मैं अभी इसके अंदर पानी नहीं डालूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वेट है ये मिट्टी, और अंदर की जो नर्सरी की मिट्टी है वो भी वेट है, इसीलिए हमें पानी नहीं ज़्यादा डालना है। अगर मैं पानी डालूंगा तो इसके लीव्स ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे भी इसके लीव्स येलो होना स्टार्ट हो ही गए, ये देख रहे हैं आप। वैसे नर्सरी वाले कभी भी प्लांट्स की केयर करते नहीं हैं, लेकिन अब इधर आया है तो मुझे थोड़ी मेंटेनेंस इसके ऊपर करनी पड़ेगी, उसकी मैं पूरी अलग एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, अभी ये पॉट को थोड़ा मैं पटकूंगा, लेकिन जोर से हमें नहीं पटकना है, क्योंकि पॉट टूट जाएगा। अभी इतना तो काफ़ी है, ये पता नहीं कौन सा प्लांट है। अब जो ये स्नेल है धीरे धीरे भाग रहा है, उसको मुझे पकड़ के बाहर डालना होगा। अब ये है मेरी छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स, ये एलिमेंट्री के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं एक मेंटेनेंस की भी और केयर की वीडियो मैं पूरी अलग बना दूंगा, ताकि आपको भी बहुत अच्छी तरह हेल्प हो जाए कि आप भी एक एलिमेंट्री अपने घर पे लाके उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे रखना है। ये जो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये फंगस है, ये जो है ना, ये ब्लैक कलर का आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये फंगस है। तो ऐसे लीव्स को हमें तुरंत ही काट लेना चाहिए, ज़्यादा रखना नहीं चाहिए। अगर ये लीव्स हमारे प्लांट्स के ऊपर लगे रहेंगे तो बाद में ये पूरे प्लांट्स पे फैल सकता है, तो अगर ये पूरे प्लांट पे फैल गया तो आपका पूरा प्लांट मर सकता है। अगर आपके पास रोज़ प्लांट हो या तो हाइबिस्कस प्लांट हो, ये चीज़ अगर उसके लीव्स पे दिख जाए तो वो लीव्स तुरंत काट लीजिए और बाहर फेंक दीजिए, कोई भी कॉम्पोस्ट बिन में ना फेंकें। वो सब जानकारी मैं आपको देता रहूँगा ये लेमन ट्री के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।